नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन बोले, महिलाओं को हड़िया दारू के पेशे से बाहर निकालना सरकार का लक्ष्य। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की महिलाओं के हरिया दारू जैसे पेशे से जुड़ने को अभिशाप बताया है। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू की गई दीदी हेल्पलाइन सेवा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी राज्य के लिए इससे बड़ा और अभिशाप क्या हो सकता है कि वहां की महिलाएं हरिया और दारू बेचे। उन्होंने कहा कि इस राज्य में गरीबी है, पिछड़ापन है, इसलिए महिलाएं हरिया दारू बेचने को मजबूर है। कहा, महिलाओं को इस पेशे से मुक्ति दिलाने के लिए फूलों झानो आशीर्वाद योजना लाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि महिलाओं को हड़िया दारू के पेशे से बाहर निकालना है। जब महिला हड़िया दारू बेच सकती है तो वे दुकान भी चला सकती है या अन्य माध्यम से आजीविका भी चला सकती है। आप राशन दुकान, चाय दुकान, ब्यूटी पार्लर चला सकती है। आप सभी साग सब्जी की दुकान चला सकती है। गाय मुर्गी और बकरी पालन कर सकती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने फूलों झानो आशीर्वाद योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के बीच ब्याज रहित ऋण का भी वितरण किया। सीएम ने सखी मंडल की महिलाओं से ऑनलाइन संवाद भी किया और फूलों झानो आशीर्वाद के तहत अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। बाबा मंदिर में ई पास से एंट्री, 16 को रजिस्ट्रेशन और 17 सितंबर से करें दर्शन। बाबा बैद्यनाथ मंदिर गुरुवार से नहीं, शुक्रवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने की संभावना है। जिला प्रशासन ने ई पास के लिए वेबसाइट में व्यवस्था की है। उसके अप्रूवल के लिए NIC को भेज दिया गया है। अप्रूवल मिलते ही वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। लिंक सार्वजनिक होते ही आम श्रद्धालु बाबा मंदिर में जलार्पण या पूजा के लिए ई पास का अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह जानकारी DC मंजुनाथ भजंत्री ने दी। उन्होंने बताया कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रोजाना सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक आम श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। हर दिन 10 घंटे पट खुला रहेगा, जिसमें प्रति घंटा 100-100 श्रद्धालुओं को जलार्पण या दर्शन की अनुमति होगी। कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए अभी प्रतिदिन 1000 श्रद्धालु ही बाबा मंदिर में पूजा कर पाएंगे। बिना ई पास के किसी भी श्रद्धालु को बाबा मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। सोशल साइट के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। ई पास के लिए देवघर प्रशासन की ओर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। DC ने कहा कि मंदिर में भीड़ नियंत्रित रहे, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसमें पुरोहित समाज और आम भक्तों से सहयोग की अपील की है। झारखंड में 6 जिलों में 10 संक्रमित मिले, सक्रिय मरीजों की संख्या 100 के करीब। झारखंड में बुधवार को 24 घंटे में 6 जिलों से कोरोना संक्रमित सामने आए। हालांकि रांची छोड़कर 5 जिलों में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 1-1 है। राजधानी रांची में 5 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा धनबाद, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और लोहरदगा में 1-1 संक्रमित मिले हैं। बुधवार को राज्य में कुल 41,387 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,48,096 पर पहुंच गई। आप सबको बता दूं कि पिछले 4 दिनों से राज्य में 2 से 4 जिलों में ही कोरोना संक्रमित सामने आ रहे थे। बुधवार को 24 घंटे में 11 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी। इसके साथ ही राज्य में कोरोना को मात देने वालों की संख्या 3,42,853 हो गई। अच्छी बात यह है कि कोरोना से मौत पूरी तरह से नियंत्रित है। सितंबर माह में राज्य में कोरोना से मात्र 1 मौत धनबाद में हुई है। वैसे राज्य में कोरोना से जान जाने वालों की संख्या 5,133 तक पहुँच चुकी है। खबर है झारखंड के रांची से। 80 घंटे की लगातार बारिश के बाद रांची में सुबह से नहीं हुई है बारिश। आज दिन भर धूप और छांव के बीच दिन बिता। यहां 24 घंटे में 58 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची में लगातार 80 घंटे की बारिश के बाद बारिश थम गई है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में डीप डिप्रेशन कमजोर हो गया है। यह उत्तरी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया है। इसके कारण गुरुवार को रांची में आसमान साफ और हल्की धूप निकली हुई है। वहीं अगले 4 दिनों तक झारखंड के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बुधवार को रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में लगातार बारिश होती रही। रांची में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गया। कांके का डैम में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया। इसके कारण इसके 2 फाटक खोलने पड़े। सड़कों पर जलभराव हो गया। मौसम विभाग के अनुसार रांची में पिछले 24 घंटे में 58 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर के एम्स में MBBS के पहले बैच के अंतिम वर्ष के छात्रों से मिले राज्यपाल। थर्ड ब्लॉक का किया उद्घाटन।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार को देवघर पहुंचे। हवाई अड्डा से वे सीधे देवीपुर स्थित एम्स परिसर पहुंचे। यहां पर उन्होंने ओपीडी का जायजा लिया। इसके बाद टाइप 2 के थर्ड ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। यह स्टाफ क्वार्टर है, यहां से पीटीआई के लिए प्रस्थान भी कर गए। आप सबको बता दूं कि पीटीआई में एम्स के शैक्षणिक विभाग के आयोजित वार्षिक उत्सव में भाग लेंगे। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट को संबोधित भी करेंगे। एम्स पहुंचने पर राज्यपाल का कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ ने बुके देकर स्वागत भी किया। महामहिम को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। साहिबगंज पहुंची सीबीआई की फोरेंसिक टीम, तोड़ा जाएगा रूपा तिर्की के कमरे का सील का ताला। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच कर रही सीबीआई की जांच में और तेजी आ गई है। साहिबगंज व्यवहार न्यायालय में दर्ज मामले को धनबाद सीबीआई की अदालत में ट्रांसफर कराने का काम छोड़कर सीबीआई अब इस मामले से जुड़े लोगों की पूछताछ में जुट गई है। बुधवार को सीबीआई अधिकारी ने इस कांड की पहली अनुसंधानकर्ता स्नेहलता सुरीन से उनके आवास पर जाकर पूछताछ की। दहला महिला कॉलेज के पास उनके आवास पर जाकर सीबीआई अधिकारी ने रूपा की मौत से जुड़े एक एक पहलू की जानकारी ली। दूसरी तरफ गुरुवार सुबह सीबीआई की एक 8 सदस्यीय फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। यह टीम रूपा तिर्की के सील कमरे का ताला तोड़ेगी। इसके बाद आत्महत्या स्थल से साक्ष्य जुटाने की कोशिश भी की जाएगी। नीति आयोग मीटिंग में हेमंत सोरेन बोले, समस्याओं के हिसाब से बने कार्य योजना। नीति आयोग मीटिंग में हेमंत सोरेन बोले, समस्याओं के हिसाब से बने कार्य योजना, ST ST के लिए हो अलग नीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की समस्याओं और जरूरतों के हिसाब से नीति तैयार करने की बात कही। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को रांची में नीति आयोग की बैठक के दौरान राज्य के विकास से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस क्रम में समस्याओं का समाधान तलाशने की कोशिश की गई। इस दौरान 22 विभागों की ओर से दिए गए प्रस्तावों और मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय ढांचा होने के कारण केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से विकास को गति दी जा सकती है। समस्याओं के बेहतर समाधान भी निकाला जा सकता है। इससे जुड़ी योजनाओं और नीतियों के निर्माण और निर्धारण में नीति आयोग की अहम भूमिका है। बुधवार को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम तथा वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्र सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों से जुड़े मसलों पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। इसमें राज्य के 22 विभागों के प्रस्तावों और मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। लोहरदगा में दिल्ली नंबर की लवारिस स्कूटी मिलने से हड़कंप, 22 घंटे से थी पड़ी। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के ललित नारायण स्टेडियम के बाहर लवारिस हालत में एक स्कूटी बरामद हुई। स्थानीय लोगों की सूचना पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूटी को कब्जे में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर बाद से ही ललित नारायण स्टेडियम के बाहर दिल्ली से निबंधित टीवीएस जुपिटर खड़ी थी। लगभग 22 घंटे लवारिस हालत में पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा सदर थाना पुलिस को दी गई। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूटी संख्या DL3 SDL 50 17 को कब्जे में ले लिया। पुलिस स्कूटी को अपने साथ सदर थाना ले गई है। स्कूटी किसी आनंद दास के नाम पर निबंधित है। कई घंटे तक लवारिस हालत में स्कूटी के पड़े होने से स्थानीय लोग काफी भयभीत थे। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कूटी को कब्जे में ले लिया। खबर है झारखंड के धनबाद से। BBMKU ने धनबाद और बोकारो के स्टूडेंट को दी बड़ी राहत, अब फीस में मिलेगी छूट। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने बीएड छात्र छात्राओं से जुड़ा बड़ा ऐलान कर दिया है। बीएड छात्रों को अब फीस में 12% की छूट मिलेगी। प्रभारी कुलपति कमल जान लकड़ा के साथ बीएड सेल और छात्र छात्राओं के साथ बातचीत में इसकी मंजूरी दे दी है। इनकी स्वीकृति के साथ ही 4 दिनों से चल रहा बीएड छात्र छात्राओं का विश्वविद्यालय घेराव आंदोलन समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय ने बीएड शुल्क से जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि यह भी साफ कर दिया है कि शुल्क में छूट सिर्फ 2021 के सरकारी कॉलेज के छात्रों के लिए है। भविष्य में यह मान्य नहीं होगा और न ही इसे उदाहरण माना जाएगा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।